नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग सेट नंबर 11 लेकर आए हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में दिया गया है, तो उसको देखते हुए अभी हम लोग सेट बनाएंगे और देखेंगे, जो कि अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है, NTPC टायर 2 का एग्ज़ाम आने वाला है, और अभी जो चल रहा है SSC GD का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और सीधे क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ठीक है? देखते हैं, है ना? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा, आपसे क्वेश्चन कह रहा है, एक शहर में, ठीक है, एक शहर है, एक शहर में 40% कह रहा है, 40% लोग जो है भूरे रंग के बाल हैं, उनको कितना है, ब्राउन कलर का बाल है, 40% को भूरे रंग का बाल है, और 30% लोगों की भूरे रंग की आंखें हैं। तो जो सिंगल कैटेगरी, सिंगल कैटेगरी वाला को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 40% और क्या है, कितना परसेंट, 30% जोड़ दिए। कहता है ये भूरा बाल वाला है और ये क्या है, भूरा आँख वाला। अब उसमें क्या कहता है, 12% लोगों के भूरे बाल और भूरी आंखें दोनों हैं, तो जब दोनों वाला टर्म आता है उसको क्या करते हैं, दोनों में से घटा लेते हैं, तो घटा लीजिए 12। अब यहाँ से घटाने के बाद क्या आएगा, 40 और 30 70 70 में 12 घटेगा तो 58, इतना परसेंट बचेगा, और ये इतना परसेंट क्या होगा, इतना परसेंट दोनों होगा। दोनों कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों कितने परसेंट लोगों के ना तो भूरे बाल हैं और ना ही भूरी आंखें हैं, तो ये 58% होगा कि दोनों है, भूरा बाल और भूरा आंख दोनों है 58% के। लेकिन पूछा है कितना, कि दोनों में से कोई नहीं हो, ना भूरा बाल होना चाहिए ना भूरी आंखें होना चाहिए, कितना परसेंट, तो 100 में से 58 घटेगा 42%। इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, और कुछ लोग इस तरह से ग्राफ बना के भी बनाते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, और ये डायरेक्ट ऐसे बनेगा, 40 + 30 - 12 ये आएगा टोटल, इतना दोनों का है, लेकिन दोनों का नहीं है तो पूछा है, तो 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगे कहता है कि दो संख्याओं का योग 135 है, उनका HCF दिया हुआ है 9, उनका क्या दिया हुआ है, HCF, आप जोड़िए। अगर HCF दिया हुआ है भैया 9, तो नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट संख्या हो जाएगा 9x और सेकेंड नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 9y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर आइएगा तो लिखा हुआ है कि 9x + 9y = 135। अब ये कट जाएगा 9 से, ये कट जाएगा 9 से कितना बार में, 15 बार में, तो x प्लस वाई का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना आ जाएगा, 15। यहाँ से देखिए, HCF 9 ले लिए तो पहली संख्या 9x, दूसरी संख्या 9y, तो 9x + 9y = 135, तो x + y की वैल्यू 15, क्योंकि 9 से ये कट जाएगा 15 बार में, तो अब जोड़ के आना चाहिए 15। कौन कौन सा नंबर हो सकता है, 1 और 14 आएगा, 2 और 13 आएगा, 3 और 12 होगा, लेकिन जब ये इसको कटाएगा तो ये नंबर हम लोग काउंट में नहीं लिखेंगे, जब ये नंबर इसको कटाता है तो हम इसको काउंट में नहीं लिखते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, 4 और 11 होगा, लेकिन 5 और 10 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कटा देगा 5 10 को, 9 और 6 भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, 8 और 7 लिखेंगे, 1 8 और 7 होगा, कितना नंबर होगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। इसमें यही ध्यान होगा रखना होगा कि आप 3 और 12 भी 15 होता है, जो कि नहीं लिख सकते हैं आपका, है ना, 5 और 10 होगा 15, लेकिन ये भी नहीं लिख सकते हैं, 9 और 6 भी होगा 15, लेकिन ये नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 से 12 कट जा रहा है, 5 से 10 कट जा रहा है, और ये 9 से 6 भी कटता है, तो ये इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो जहाँ जो भी एक भी नंबर कट जाएगा तो उसको हम यूज नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1 2 3 4, कितने पेयर होंगे, 4 पेयर, और ये ऑप्शन नंबर कितने में होंगे, सी नंबर ऑप्शन में, ठीक है। इसको बढ़िया से बैठ के देखिएगा तो मज़ा आएगा, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी बनेगा, इसको एकदम आराम से देखिए। कहता एक पुरुष क्या है, एक पुरुष महिला और बच्चे के द्वारा किए गए काम कितना है, 3x है,
तो हम इसका मतलब हो गया कि तीनों का कैपेसिटी कितना होगा, एक का कैपेसिटी 3x, दूसरा का कैपेसिटी 2x, तीसरा का कैपेसिटी x। ये मैन हो जाएगा, ये वोमेन हो जाएगा और ये क्या बॉय हो जाएगा। तीनों का कैपेसिटी दे दिया है, इसको ठीक से फिर से लिख दीजिए, मैन वोमेन और बॉय, जिसमें कैपेसिटी दिया हुआ है तो कितना लिखा हुआ है 3x, 2x और x हो गया। तो ये तीनों का कैपेसिटी मालूम हो गया कि ये इतना कैपेसिटी, इतना कैपेसिटी, इतना कैपेसिटी। आगे कहता है यदि 20 पुरुष होगा तो 20 पुरुष का कैपेसिटी कितना, 20 गुना 3x। आगे बढ़िए, 30 महिलाएं, तो 30 महिलाएं का कितना हो जाएगा, तो 30 गुना 2x। और 36, 36 बॉय तो गुना x, ये सबको जोड़िएगा, 30 दूना 60 और 36 और 20 तिया 60, 60 60 120 और 36 156 आ जाएगा, 156x बराबर। ये सभी को जोड़ने के बाद कितना आता है, कितना 78 रुपया मजदूरी मिलता है, 78 रुपीज। तो यहाँ से इतना बराबर 78 कर लीजिए तो x का मान आ जाएगा, ये कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 1/2, x का वैल्यू 1/2 मिल गया, यानी इसका कैपेसिटी आ गया, इस सारा का मालूम हो जाएगा। अब जो पूछ रहा है वो निकाल दीजिए, तो क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है 18 सप्ताह में, 18 सप्ताह मतलब 18 गुना 7 दिन, 18 सप्ताह में, 18 गुना 7 दिन में 15 पुरुष। अब देखिए क्या पूछ रहा है, 15 पुरुष, तो 15 पुरुष को मल्टीप्लाई करिएगा 3 से, तो 15 गुना 3x, और भैया क्या 21 महिलाएँ, तो 21 गुना 2x, और कितना बॉय, 30 बॉय, 30 गुना x, इतना जो होगा, इतना को क्या करना है मल्टीप्लाई कितने से, 18 सप्ताह से, 18 सप्ताह से मल्टीप्लाई करिएगा, तो 18 गुना 7, इसको क्या लिखिएगा, 18 और गुना 7 दिख रहा होगा, 18 गुना 7 यहाँ पर करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 18 × 7, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 15 × 3 = 45, 21 × 2 = 42 और ये 30 है ना। जब सबको मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 45 और 42, 45 × 90 में 3 घट गया है, 87 और 30 है ना, 87 और 8 × 3 = 11, 117 x गुना 18 और गुना 7, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 117 इतना। अब x का मान अगर हम अगर पुट करते हैं, x का मान 1/2, तो यहाँ से कटा लीजिए, दो बार में कट जाएगा, कितना बार में, 9 बार में, 9 × 2 = 18, 9 × 7 = 63, यानी आंसर आ जाएगा 117 × 63, 117 × 63। तो यहाँ से अब कैलकुलेट आप कर सकते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 70, मल्टीप्लाई करिएगा 71 सेवन 73 71, कितना आ जाएगा 73 71, तो इसको सोल्व करिएगा तो आ जाएगा 73 71, इसको मल्टीप्लाई करना है 117 × 63। कैसे आया समझ में आया, तीनों का कैपेसिटी दिया हुआ था, तीनों का कैपेसिटी लिख दिए और तीनों का कैपेसिटी के बराबर 78 रुपया दिया हुआ था, x बराबर 1/2 रुपया आएगा, यहाँ पर भी पुट कर दिए तो इस तरह से इतना आया, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 2500 रुपया की चक्रवृद्धि ब्याज पर, 2500 रुपया है तो 2500 लिख दीजिए, है ना, 25 × 3000 25000 है, पर पहले वर्ष 3%, तो 103/100 लिखिएगा, दूसरे साल 4%, तो 104/100 लिखिएगा,
और तीसरे साल 100 किसे 5%, तो 105/100 लिखिएगा। अब जो कट रहा है ये कटाएंगे, क्योंकि कह रहा है लास्ट में कितना हो जाएगा तो इतना हो जाएगा, 1, 2, 3 ही कटेगा, तो 1, 2, 3 कटाएंगे, बाकी 3 बच जाएगा। जो कट रहा है कटा लीजिए, ये 25 से पूरा पूरा कट जाएगा, 25 चौका 100, ठीक है। और क्या कटेगा, ये कट जाएगा है ना, 26 बार में पूरा कट जाएगा। अब ये बच जाएगा 10, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा और कटेगा, ये कट जाएगा 5 बार में, 13 दूना 26, और ये 5 बार में कट जाएगा 21 25 75 से, देखिए बट जाएगा 103 × 13 × 21, 103 × 13 × 21। अब आसान है, सबको कटा दीजिए, और इसको आसान है निकालना है ना, तो इस तरह से आपका कितना आ जाएगा 28 119, आपका कितना आ जाएगा 28 119, क्योंकि देखिए 3 3 9 है ना, 3 3 9 और 9 1 9, तो लास्ट में 9 आना चाहिए, तो कितना आ जाएगा, ये नहीं तो इसमें है ना, तो इसमें है ना, तो इसमें है, आंसर हो जाएगा डी नंबर, लास्ट में 9 आना चाहिए, तो डी नंबर 28 119। यहाँ पर देखिए 3 3 9 आना चाहिए लास्ट में, तो ये ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में दिया गया है, पूरा गुना करने की ज़रूरत भी नहीं है, और सीधा सीधा आंसर मिल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, समझ में आ गया होगा। अब सब लोग जानते हैं कि 25,000 दिया हुआ है, तो उस पर 3% ब्याज लगेगा, तो 103 होगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो फिर 104 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, हर एक बार चेंज हो रहा है, अगर एक ही रहता तो उसका क्या करते, पावर कर देते। आगे कह रहा है कि इतना और इतना को x माइनस टू क्या करता है, भाग देने पर समान शेषफल बचता है, अगर x माइनस टू से भाग देंगे तो x का मान क्या रखना पड़ेगा, 2, x का मान क्या रखना होगा, 2, तो आप पुट करेंगे x का मान, पहले इसको लिखेंगे, इसका और इसका बराबर करिएगा, तो हम लिखेंगे एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस a बराबर 2x क्यू प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। अब आप पुट करेंगे x का मान 2, 2 का मान, 2 का क्यू 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 4 दूना 8 होता है प्लस a, ओके। यहाँ से 3 का क्यू 8 होता है, 8 दूना 16, a इंटू 4 प्लस 3 दूना 6 और माइनस 3, सबको मल्टी ऐड करेंगे, 8 से 8 के कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, तो a और 4 इधर आके देखिए क्या करते हैं, a प्लस 4 बचा यहाँ, इसको 16 प्लस 6 क्या है 22, 22 में 3 गया 19, 4a प्लस 19 आ जाएगा। अब इसको आप क्या करिएगा, देखिए ये इधर आके घटेगा, इधर आके घटेगा, तो आप दोनों को क्या करिए, इसको इधर ले आइए, तो 4a बराबर ये घट के आ जाएगा 3a है ना, ये 3a आ जाएगा और ये आ जाएगा 15, तो कट जाएगा कितना बार में, माइनस 15, a बराबर माइनस 5, a बराबर कितना आएगा माइनस 5, और ये ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, बी में। हम क्या बोले कि दोनों को इक्वल कर दिया जाए, क्योंकि बोला है कि दोनों को शेषफल बराबर आता है, जब हम क्या करते हैं x माइनस टू से भाग देते हैं तो शेषफल बराबर आता है, तो दोनों को इक्वल कर दिया, शेषफल आ गया, यहाँ से a का मान आ गया माइनस 5, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक समूह को त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई हो सकती है। आप देखिए एक त्रिभुज बनाने के लिए कभी भी आप पढ़ेंगे तो एक त्रिभुज बनाने के लिए अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हमेशा ए प्लस बी जो होगा ग्रेटर देन सी होना चाहिए, या बी प्लस सी ग्रेटर देन ए होना चाहिए, और ए प्लस सी ग्रेटर देन बी होना चाहिए। यही बात होता है कि दो साइड को जोड़ तीसरे से हमेशा बड़ा होना चाहिए, एक त्रिभुज बनाने का यही रूल है कि दो साइड का जोड़ तीसरा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, दो साइड का जोड़ हमेशा तीसरा से बड़ा होना चाहिए। अब आप देखो 5 और 7 को जोड़ेंगे, 7 और 5 12, क्या 30 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो ये इससे त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। 7 5 12, 9 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, 9 7 16, 5 से बड़ा है, 9 5 14, ये इससे एक त्रिभुज बनेगा, इससे एक त्रिभुज बनेगा, लेकिन यहीं पर देखिए 4 2 6 10 से बड़ा है, नहीं है तो नहीं बनेगा, 9 और 7 16 17 से बड़ा है, नहीं है तो नहीं बनेगा,
यानी ऑप्शन नंबर बी से ही एक त्रिभुज बनेगा, क्योंकि किसी भी दो को जोड़ने के बाद हमेशा तीसरा से वो बड़ा आता है। हमेशा एक त्रिभुज बनाने का रूल है कि दो साइड का जोड़ तीसरा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, चाहे आप किसी को भी ऐड कीजिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है एक सिलेंडर पर, जब एक सब सिलेंडर बनाते हैं है ना, तो एक सिलेंडर बनाते हैं, सबसे दूर की दूरी क्या होगा? तो सबसे दूर का दूरी क्या हो जाएगा आपका, सबसे दूर का दूरी ये वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? और उसमें ये 8 दिया हुआ है, ये भी 8 दिया हुआ है, तो सोचिए सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? तो ना तो ये रेडियस होगा ना ही हाइट होगा, क्या होगा? रेडियस और हाइट दोनों का विकर्ण होगा, तो ये वाला हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 8 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, 8 रूट 2, क्या हो जाएगा? 8 रूट 2। सबसे लंबा दूरी कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस 8 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी सिलेंडर में। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है ए ने 2004 में 25,000 रुपया लगाया। अब देखिए ए कितना लगाता है पूंजी, ए ने 25,000 रुपया लगाया पूंजी, कितने में? 2004 में। वर्ष 2005 में 10,000 रुपया और लगाया। अब ये कितना दिनों के लिए लगाया? 12 महीने के लिए लगाया। ठीक है, ठीक है, आगे। उसने प्रारंभ वर्ष 2005 में उसने 10,000 रुपया और लगा दिया, 10,000 रुपया और लगा दिया उसने। ठीक, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। अब ये कितने दिन के लिए लगाया? 12 महीना के लिए। तथा बी भी उसमें 35,000 रुपया लगाकर शामिल हो गया। बी भी क्या किया, 35,000 रुपया लगाकर क्या किया, शामिल हो गया, 35,000 रुपया लगाकर, ठीक है, शामिल हो गया। आगे क्या कहता है, वर्ष 2006 में ए ने 10,000 रुपया और लगा दिए, फिर 10,000 ये लगाया, ठीक है, 10,000 और ये लगाया, शामिल हो गया। वर्ष 2006 में ए ने 10,000 और लगा दिया, तथा सी भी 35,000 लगाकर इसमें शामिल हो गया, सी भी 35,000 रुपया और लगा दिया। अब देखिए कि कौन कौन कितना दिन के लिए लगाया। सी भी 35,000 लगाकर उसमें शामिल हो गया तीन वर्ष के अंत में। तो ये भाई तो क्या किया होगा, ये 36 महीना के लिए लगा होगा पैसा। ये मई कितना दिन के लिए लगा होगा, ये 24 महीना के लिए लगा होगा। और ये कितना दिन के लिए लगा होगा, ये 12 महीना के लिए, है ना। फिर ये कितना दिन के लिए लगा होगा, ये दूसरी बार दूसरा माया था, इसका मतलब ये लगा 24 महीना के लिए, और ये कितना महीना के लिए, 12 महीना के लिए। अगर हम इसका रेशियो निकालना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम इसका रेशियो निकालना चाहते हैं तो पहले तीनों में जो कॉमन है उसको कटा लीजिए। ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, जो तीनों में कॉमन है उसको आप कटा लीजिए, है ना। यहाँ से 12 से ये कट जाएगा, ये दो बार में कट जाएगा, ये 12 से कट जाएगा, 12 तिया 36, ये 12 दूना 24, और ये 12 से 12 कट जाएगा। अब जो बचता है उसको आप ऐड कर लीजिए, 25 तिया 75 और 20, 25 तिया 75, ठीक है, 75 और 20 95 और 10 105। तो ए का जो हमारा रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 105 का। बी हमारा कितना आ जाएगा, 35 दूना 70, और सी कितना आ जाएगा, ओनली 35। और इसको कटाइएगा तो ये 3:2:1 के रूप में आएगा। ध्यान दीजिएगा, सबको कटाने के बाद आपका रेशियो आया 3:2:1। ए ने 3 पूंजी लगाया, बी ने 2 पूंजी लगाया, सी ने 1 पूंजी लगाया। अब क्या कहता है, लाभ हो रहा है इतना को, तो बताइए बी का लाभ कितना होगा। अगर बी का लाभ आपसे पूछता है तो आप बी का निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बी के लाभ निकालने के लिए आप बी का दिया हुआ है 2, तो 2 गुना क्या करेंगे, कितना, 15 पर कितना, 0, 4 0, डिवाइडेड बाई टोटल कितना होगा, 3:2:1 6 कटा लीजिएगा, कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा
तीन बार में और यहाँ से पांच बार में, पांच पर चार जीरो और ये आंसर हो जाएगा बी नंबर, पांच पर चार जीरो यानी आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो यहाँ से बी का वैल्यू निकल जाएगा क्योंकि छः बराबर दिया हुआ इतना, तो दो बराबर कितना, छः बराबर इतना तो दो बराबर कितना, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ढंग से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है और ये बनाने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ ज़्यादा समय हो रहा है। कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, एक व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में समाप्त कर सकता है यदि 8 व्यक्ति अधिक होते, मतलब x प्लस 8 होता तो क्या होता, कितना दिन में काम समाप्त हो जाता, तो 10 दिन कम लगते यानी 50 दिन लगता, कट जाएगा। तो कहता है काम पूर्ण होने में 10 दिन कम लगते, ये मल्टीप्लाई करिएगा, 6x 5x घट के आ जाएगा x, 8 5 40। कितने व्यक्ति थे शुरू में, तो वही पूछ रहा है प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो प्रारंभ में 40 व्यक्ति थे और ये आपका आंसर हो जाएगा, प्रारंभ में 40 व्यक्ति थे। तो इस तरह से हमारा आज क्वेश्चन एक क्वेश्चन सेट नंबर 11 इंड हुआ। तो आप लोग बस इसी तरह से वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे आपको क्या होगा, फ़ायदा भी होगा, है ना, ठीक है, धन्यवाद।